नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट ICR कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2007 से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। कम फीस में बेहतर सुविधाएं ही NCA उदयपुर को राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाती है। जेट ICAR BHU कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल प्लस कोचिंग उपलब्ध है। कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी ऑनलाइन कोर्स संस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज ही जुड़े राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान से। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट ICR कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित। ओके, स्वागत है आप सभी का NCA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जेट 2021 की आंसर की NCA के द्वारा आपके सामने। तो आज अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज जो एग्जाम हुआ है बेटा आपके जेट 2021, तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा इसमें। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं और पेपर सीरीज है अपने ए। सीरीज का पेपर है अपने, देखिएगा चावल के खैरा रोग की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके YL ने। सेकंड क्वेश्चन है गेहूं में FIRB मेथड की जो बीज दर है इसमें वो देखनी है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके 75 kg। बाजरे का परीक्षण वजन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 8 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, अरहर की कम अवधि किस्म कौन सी है, चार ऑप्शन है, प्रभात, ICPL है ना 151, यूपी AS 120, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सभी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल, सभी आपके सभी इसमें ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो समान वर्षा को जो रेखाएं मिलाती है उसको आइसोहाइट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइट्स। उसके बाद मैक्सिकन गेहूं की कोलिप्टाइल लंबाई क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इक्रीसीड आपको बताना है, इक्रीसीड कहां है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही है। अंतरराष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट है, लेथारस में BOAA की सुरक्षित सीमा है लेस देन 0.2%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मोठ का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है आपके राजस्थान। नेक्स्ट, आधुनिक जैविक कृषि के जनक, बड़ा इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अल्बर्ट होवर्ड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके,
ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1972। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1972। नेक्स्ट अगला है आपके, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बताना है। तो इसका आंसर है आपके गाजियाबाद। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल या पौधों में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी होती है, वो है आपके इसमें जंगली जई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है अवांछनीय कोमा परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपन विषैला खरपतवार। इसका राइट आंसर है आपके विषैला खरपतवार। नेक्स्ट है वर्तमान समय में आइसोप्रोटोरिन की जगह कौन सी खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना इसका सही ऑप्शन है आपके मेट सल्फ्यू सल्फ्यूरान, ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है? तो सजावटी साइट्रस प्रजाति इसमें हजारा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद है आपके संतरे का नाम पूछा हुआ है, मैंड्रीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिट्रस रेटिकुलाटा। ये इस क्वेश्चन का सही है जो साइट्रस लिखा हुआ है यहां पर, रेटिकुलाटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्रयी, इसको इंग्लिश में देखिएगा डायोसियस, तो ये है आपके पपीता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपके पपीता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो आम की बीज रहित किस्म है इसमें सिंधु, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिंधु। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म कौन सी है? तो भारत में जिस किस्म का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो है आपके ड्वार्प कैवेंडिश केले की। ओके चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन है आपके आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजातियों का संकरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है आपके आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा, ये इस क्वेश्चन का सही है सेकंड ऑप्शन सीडियम गुआजावा। वर्षा उपहार किसकी किस्म है? तो वर्षा उपहार आपके भिंडी की किस्म हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है भिंडी। ओके नेक्स्ट मूली की बीज दर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये मूली की क्या है बीज दर है। उसके बाद अंगूर की प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके कलम, ध्यान रखना कटिंग के द्वारा क्या होता है अंगूर का प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके द्वारा होती है? तो फूल गोभी की ब्राउनिंग यहां पर जो होता है वो बोरोन की कमी से होता है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम जो तापमान है वो है आपके 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है चलते हैं आगे। नेक्स्ट केले का खाने योग्य भाग है, देखो यहां पर होता है इसमें मिजोकार्प प्लस एंडोकार्प दोनों होता है, लेकिन आप देखते हैं वो कौन सा आंसर देता है। फिलहाल यहां पर आप एंडोकार्प मान के चलिएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या देता है इस आंसर। उसके बाद देखिएगा अनार की रोपण दूरी क्या है, तो ध्यान रखना अनार की जो रोपण दूरी है कितनी डिस्टेंस पे इसको लगाते हैं, तो ध्यान रखना 5x5 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं, एनसीईआरटी में यही दूरी है अनार की, ध्यान रखना, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके बाद देखिएगा ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना ये मिर्च में पाया जाने वाला एक उपयोगी तत्व है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मिर्च। नेक्स्ट है किस जानवर के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भेड़ के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे उत्पादन के लिए सर्वोच्च स्थान पर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजिशन पे है, ध्यान रखना। नेक्स्ट राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये जोड़बीड़ बीकानेर, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोची, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके
धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सिलिका। सिलिका रूमेन में अमोनिया और कुल VFA का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा आपके भैंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके जेरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट, सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में परसेंट NDF महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके 25 पर एक। का सही जवाब है 36, 36%। नेक्स्ट, यदि अनुपूरक आहार की CP सामग्री से डैश डैश ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपके 25%। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब सेकंड ऑप्शन 25%। ओके, और NDRI बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है, NDRI कहाँ है तो ये ध्यान रखना करनाल। तो ये थी बेटा आपके एग्रीकल्चर की आंसर की, और इसमें आप अपना मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके आंसर की आ रही है वो बायोलॉजी की है, उसको भी मिला लीजिएगा आप लोग। कंटिन्यू रहिएगा क्लास में। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। चलिए नेक्स्ट आंसर की अपन देखेंगे, बायो की। बायो के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बायोलॉजी के अंदर पहला क्वेश्चन जो है द्विपद नामकरण संदर्भित करता है। राइट आंसर जो है वो तीसरा, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कुछ सामान्य पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फसल या कोई फल पैदा नहीं करते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? अपन टेरिडोफाइटा। तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट जाएगा, टेरिडोफाइटा जो है वो इसका राइट आंसर है। एक मिनट। कुछ सामान्य पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल पैदा नहीं करते, वे किस समूह से जाते हैं? तो इसका आंसर है बेटा जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावर्तबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला सवानी पौधा फर्स्ट वेसिकुलर प्लांट जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट जाता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप, सलजम का खाने योग्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलजम का खाने योग्य भाग जो है वो आपका आंसर जो होगा मॉडिफाइड टेप रूट। ठीक है, रूपांतरित मूसलाझड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मक्का या गेहूं में फल का प्रकार जो होता है वो कैरोक्सिस प्रकार का होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है कि प्लूमुल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे अपन कोलियोप्टाइल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जाएगा, कोलियोप्टाइल कहेंगे। नेक्स्ट, राइबोसोम का उत्पादन कौन करता है? तो राइबोसोम का उत्पादन न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक करता है। राइबोसोम का उत्पादन राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? केंद्रक करता है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो किन्होंने दिया? वो सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन, तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर है। तो पहला ऑप्शन अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर कौन बना रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूक्लियर वॉल, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर राइट जाएगा, केंद्रक भित्ति। केंद्रक भित्ति जो है वो अंतः प्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा, दसवां क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्मेटा, इसका आंसर जो है वो आपका जाएगा कनेक्टिंग बिटवीन अर्जेंट चेंज, यानी कि आसन कोशिकाओं के बीच संबंध। पहला ऑप्शन सही जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? कनेक्शन बिटवीन अर्जेंट सेल्स।
नेक्स्ट है रूट प्रेशर इज ड्यू टू, जड़ का दबाव जो है वो किसके कारण होता है, जड़ का दबाव एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय अवशोषण के कारण होता है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जाएगा। ठीक है, रूट प्रेशर जो है वो किसकी वजह से होता है, सक्रिय अवशोषण की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें अपन स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू, पौधों के स्टोमेटा के खुलने का कारण जो है चौथा ऑप्शन इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जाएगा, पोटेशियम आयनों की प्रवाह के कारण पौधे के स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे अपन स्त्री केसर या जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वृत्तिकाग्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वृत्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बिना निषेचन के फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो इसका आंसर सेकंड ओनली वन एलील ऑफ ए जीन, दूसरा ऑप्शन जो है सही जाएगा 15वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट, जीन का केवल एक एलील। नेक्स्ट है 16वां, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, इसका आंसर 16वें का सेकंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन, किसने साबित किया कि डीएनए जो है बुनियादी आनुवंशिक सामग्री होती है, तो इसका आंसर हर्टले और चेज, हर्टले और चेज ने ये जो सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 18, ऑपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, इसका आंसर है बेटा रेगुलेटर जीन, यानी कि पहला ऑप्शन जाएगा किसका, 18वें का। नेक्स्ट है कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कपास किसका एक उदाहरण है, कॉटन जो है वो बास्ट फाइबर का उदाहरण माना जाता है, 19वें के अंदर तीसरा ऑप्शन जो है बास्ट फाइबर का उदाहरण माना, एक मिनट रुकना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फाइबर, कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल जाएगा, सतह फाइबर का। नेक्स्ट है भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल कौन सी है, तो बनाना राइट आंसर जो है केला ऑप्शन में जाएगा, राइट आंसर किसका, 20वें क्वेश्चन का पहला आंसर बनाना। नेक्स्ट है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम में क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जाएगा, ऑप्शन सी एस्कोर्बिक एसिड जो है 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर फोर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि एंटीबायोटिक टेरामाइसिन जो है वो किससे प्राप्त होती है, सेकंड ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस से, ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पहली ट्रांसजेनिक फसल, पहली ट्रांसजेनिक फसल है आपकी तंबाकू, तीसरा आंसर जो है वो सही जाएगा। नेक्स्ट है कि सूडोमोनास रूपरी लिनेस जो लालधारी वाली बीमारी है वो किसके कारण, किसमें होती है, तो शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चौथा ऑप्शन। 26वें के अंदर कि अमीबा के अंदर पोषण किस प्रकार का होता है, तो अमीबा में होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है, पहला ऑप्शन सही जाएगा 26वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां कि केचुए में क्लाइटेलम के जो खंड होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो 14, 15 और 16, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जाएगा कि केचुए में क्लाइटेलम के खंड 14, 15 और 16 पर उपस्थित। प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण जो है वो किस पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी के बेस पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जाएगा आकारिकी के आधार पर, 28वें क्वेश्चन के अंदर तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है आकारिकी मोर्फोलॉजी के आधार पर ये अपन वर्गीकरण जो है प्राकृतिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म जो है वो किस में पाया जाता है, तो एनालिडा के अंदर मेटामेरिज्म पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां कि पानी सवानी प्रणाली किसके अंदर पाई जाती है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर पानी प्रणाली जो है वो पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है वो है आपका टेंडम, उत्तक जो
हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको अपन कहते हैं टेंडम। ठीक है, राइट आंसर 31 के अंदर पहला। खपरा बिटल जो है वो किसका है? संग्रहित अनाज स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कहलाता है खपरा बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द कपास बोलवम के लिए परजीवी के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो ट्राइकोग्रामा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ट्राइकोग्रामा पहला ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट 34 के अंदर निमेटोड जो अल्सर या सिस्ट निमेटोड का आंसर लगाना था आपको इसके अंदर हेट्रोडायरा एविनी, बिल्कुल सही, हेट्रोडायरा एविनी जो है वो यहाँ पर सिस्ट निमेटोड के रूप में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? रोक हनीपी के नाम से फेमस होती है एपिस डोरसेटा। रोक हनीपी के नाम से फेमस होती है बेटा एपिस डोरसेटा, विशाल मधुमक्खी कहेंगे इसको। टिड्डी अपने कहा अंडे देती है? तो मिट्टी के अंदर जाके अंडे देती है, होल बना के अंडे देती है, तो इनसाइड द सॉइल इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों से जो है वो गुजारा जाता है? तो 3 चरणों से गुजारा जाता है। कितने चरणों से बेटा? 3 चरणों से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी, 3 चरणों से गुजारा जाएगा। 38 के अंदर बात करेंगे अपन, लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट रक्त में किस रूप से गुली होती है, किस रूप में पाई जाती है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट जाएगा कि लगभग 70% CO2 38 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की, 40 शुक्राणु जो बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणुनाशक आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर होता है 20। 39 का क्वेश्चन का आंसर है 20 जो सही जाएगा बेटा। नेक्स्ट है, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है, जो इसके अंदर आंसर जाएगा 40 के अंदर, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, केवल माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है केमिस्ट्री के पेपर के लिए, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर आपको स्वागत करता हूं एनसीआई उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री की आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, और केमिस्ट्री की आंसर की मैं जो अपने एनसीए का सारे सब्जेक्ट के मोस्टली क्वेश्चंस मिले हैं, केमिस्ट्री में जो है आपके लगभग 40 में से 36 से 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के डायरेक्ट कॉपी में से मिले हैं, डायरेक्ट आप लोगों ने लिखे हैं, मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन इज? ठीक है, 5 ग्राम NaOH की 450 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता क्या होती? मोलरता अपन कैसे निकालते हैं? पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। कितने ग्राम दिया उसने? 5 ग्राम दिया। अणुभार NaOH का होता 40, आयतन दे दिया उसने कितना? 450 ml, उसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे उसको ऊपर गुणा कर देंगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, इसको आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 0.27777 करके आता है। तो जब 0.5 लास्ट वाली डिजिट 5 से ज्यादा होती है तो उससे पहले वाले को एक अपन बढ़ा देते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.278। ये ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, तो ए सीरीज के हिसाब से अपन बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने मिलान करते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 0.278। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? प्रथम कोटि की क्रिया की इकाई क्या होती है? यह क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उस टाइम पे आपको, डायरेक्ट कॉपी में भी लिखवाया था और इकाई भी बताई थी, और वो क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। क्या बताया था अपन ने? सेकेंड इनवर्स बताया था या टाइम इनवर्स बताया था, और सेकेंड इनवर्स आपके पास आ गया
तीसरा ऑप्शन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा थर्ड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास इसमें आता है क्वेश्चन नंबर तीन, और क्वेश्चन नंबर तीन हमारे पास है बेटा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ आरएनएस इक्वेशन के इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी, तो के और जो इसका अपन स्लोप निकालते हैं तो इस तरीके से आता है वन अपॉन टी, और के बीच में जब निकालते हैं तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास कहता है माइनस ई ए अपॉन आर। क्या स्लोप आता है? माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा पहला माइनस ई ए अपॉन आर। क्या स्लोप होता है? माइनस ई ए अपॉन आर। चलो नेक्स्ट है, उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है? द कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन चेंज ऑफ अभिक्रिया की एंथैल्पी, गिव्स ऊर्जा, अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी, या क्रिया की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उत्प्रेरक का जो प्रयोग है वो सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देता है, वो कमी कर देता है। उत्प्रेरक क्या कर देता है? सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा। तो तीसरा आंसर है, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या है? थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाते हैं, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर तीसरा है आपके। पांचवा जो क्वेश्चन है, कैलामीन इज द ओर ऑफ, तो दो मैंने आपको बताया था, तो कैलामीन होता है करोसिव सब्लिमेट होता है, एक तो होता है जेडेन सी एल टू, एक होता है जेडेन टू सी एल टू, ठीक है। तो करोसिव सब्लिमेट और कैलामीन, सॉरी ये इसका ऑक्साइड और होता है जिंक का, ठीक है। तो जिंक का जो ऑक्साइड होता है कैलामीन, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का एस क्या है? ये क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? दूसरा, सॉरी चौथा, क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर चौथा जिंक, जस्ता इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर छह, विच ऑफ द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? तो आपको डायरेक्ट बताया था, एक तो होती है OS और RU की, कितना प्लस आठ, जो ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं हो तो बताया था कितनी, MN की होती है प्लस सात। तो क्या आंसर आ जाएगा? मैग्नीज, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस सात होती है, डायरेक्ट आपको लिखवाया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर छह का आंसर हो गया दूसरा मैग्नीज, क्वेश्चन नंबर छह का आंसर दूसरा हो गया मैग्नीट। क्वेश्चन नंबर सात, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Mn प्लस टू, Mn प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण, Mn प्लस टू का क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्ण, और Mn प्लस का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हैं? प्लस टू, कंडीशन क्या आएगी इसकी? 3d5, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, पांच आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पॉइंट समथिंग होता है, मैंने बताया था। तो 5.92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो क्वेश्चन नंबर सात का आंसर आपके पास क्या जाएगा बेटा? सेकंड आ जाएगा 5.92 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन्स 100, तो 100 में कितने सार्थक अंक है? तो सार्थक अंक के लिए मैंने बताया था कि किसी भी अंक से पहले या बाद में जीरो आती है तो उसे सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, लेकिन बाद में यदि जीरो आती है और वो मापन में है, ठीक है, किसी उसमें है, ये कैलकुलेशन में मापन में है, तो उसको आप जीरो को गिनते हैं, तो यह मापन में नहीं है इसलिए इसके जीरो नहीं गिनी जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 × 10^2, और 10^2 को नहीं गिना जाता है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? एक सार्थक अंक होगा। कितने सार्थक अंक होंगे? एक सार्थक अंक होगा 100 में, ठीक है। फिर व्हाट इज द सिंबल ऑफ एन एटम विच हैव द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इज 3s2 3p6 4s2। अच्छा, अब 3s2 3p6 जो है, ठीक है, 4s2 तक यदि जाते हैं तो अपने पास कौन आ जाता है? कैल्शियम आ जाता है, ठीक है, 20 कैल्शियम का आ जाता है। अब 3s2 3p6 अपन किसका आ जाएगा फिर? आर्गन का, क्योंकि कैल्शियम तो ऑप्शन में अपने है ही नहीं अपने पास, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास? आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा थर्ड आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर हो क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का सूत्र क्या है?
तो दो सूत्र मैंने आप लोगों को बताए थे कि R बराबर क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एक मैंने आपको बताया था कि R इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर जेड। तीसरा इसमें आंसर हो जाएगा, त्रिज्या का जो सूत्र है वो क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर जेड। तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। आयनिक कंपाउंड टिपिकली शोज लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिकों का गलनांक कम होता है, गलत बात है। आयनिकों का गलनांक कम नहीं होता, आयनिकों का गलनांक ज्यादा होता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिकों के वैन डर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नॉन डायरेक्शनल इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा पॉइंट इसमें सही है कि आयनिक यौगिकों में, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तीसरा, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है, तो नॉन डायरेक्शनल इसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बुटजाइट, ठीक है, बुटजाइट का समन्वय संख्या क्या होती है। तो जिंक की भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4, और सल्फर की भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। तो जिंक और सल्फर दोनों की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, 4-4। ओके, तो 4-4 इसकी समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4-4 इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ I3 इज, I3 का आकार कैसा होता है, तो लीनियर होता है। कैसा होता है, I3 का आकार लीनियर होता है, रेखीय होता है। I3 का आकार कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है, रेखीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं, तो इसका कैसा हो जाएगा, ये रेखीय हो जाएगा I3 का, I3 माइनस का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फर्स्ट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल, हालांकि इसने प्रथम आवर्त लिख दिया, प्रथम आवर्त नहीं है, द्वितीय आवर्त है, सेकंड पीरियड है, क्योंकि पहले आवर्त में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं। और मैंने डायरेक्ट एज इट इज आपकी कॉपी में ये सेम ही क्वेश्चन लिखवाया था और वहां बताया भी था कि बेबी कॉर्न, ठीक है, तो लिथियम की बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है, फिर जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है। तो सही आंसर आपका इसमें क्या जाएगा, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज, ठीक है, यदि एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। आपको पता है तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। एच कितना हो गया हमारे पास, 6.62 इंटू 10^-34। एम कितना दे रखा है, 0.1 किलोग्राम, हमें किलोग्राम में ही चाहिए था, वेग मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में दे रखा है 10। अब यदि मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 10, 10 से 10 खत्म हो गया, तो क्या बचा, ये के यही बच गया, तो 6.62 इंटू 10^-34। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा आंसर हो जाएगा 6.62 इंटू 10^-34 मीटर, 6.62 इंटू 10^-34 मीटर इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 16, एजी का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। तो एजी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। मैंने उसमें लिखवाया था, आपको पता है क्रोमियम मतलब CuAgAu, उसमें क्या आता है लास्ट में, D10 और S1D10 आता है, ठीक है। 47 से पहले कौन आ रहा है, क्रिप्टॉन, 36 पे आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा Ag का करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा Kr4d10 5s1, Kr4d10 5s1, इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में H2O का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, बंध कोण पूछ रहा है H2O का।
H2O का बॉन्ड एंगल डायरेक्ट मैंने लिखवाया हुआ है 104.5 डिग्री। H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा 104.5 डिग्री। लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बंद कोण कम होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, है ना, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने Q प्लस डब्ल्यू भी बोला है, Q माइनस डब्ल्यू भी बोला है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब तंत्र को ऊष्मा देंगे तो तंत्र द्वारा काम होगा, और तंत्र ऊष्मा लेगा, सॉरी तंत्र से ऊष्मा लेंगे तो तंत्र पर काम होगा, तो एक प्लस में रहता है तो दूसरा उसमें माइनस में रहता है, हालांकि पहला भी है और दूसरा भी है तो दोनों है, तो ज्यादा सही आंसर हमारे पास क्या है बेटा, दूसरे को इस तरीके से एक मिनट लेके चलते हैं, तो W इधर आए तो Q, ये भी बात सही है, और उस कंडीशन में तो आंसर, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज हो गई, ये दोनों एक ही चीज हो गई, ठीक है, फिर राइट आंसर पहला ही जाएगा इसमें, पहला ही आंसर आपके राइट आंसर जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो एक ही बात हो गई, क्योंकि W को अपन इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सेम है, तो राइट आंसर आपके पहला होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि PCl5, PCl3 और Cl2 500 केल्विन पर साम्यावस्था में उनकी सांद्रता दे रखी 1.59 PCl3 है, 1.59 Cl2 है, 1.41 PCl5 है, तो साम्य स्थिरांक पूछ रहा है इसका, तो K बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा PCl3 into Cl2 upon PCl5, मान रखने डायरेक्ट 1.59 into 1.59 upon 1.41, इसको आप जब सॉल्व करके आओगे तो आंसर आपके पास क्या जाएगा 1.79, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या जाएगा 1.79, क्या आंसर जाएगा बेटा 1.79 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 F2, तो डायरेक्ट मैंने आपको नियमों में लिखवाया हुआ था, ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, OF2 में केवल OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2, केवल O2 F2 में +1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण इन O2 F2 इज +1, तो पहला आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पहला +1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। अब CH और CH3 के बीच में भी यहां पर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये, CH और CH3 भी किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब यहां पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए उन्होंने 8 सिग्मा गिन लिए, तो एक तो दो तो पाई हो गए, और सिग्मा 2, 3, 4, 5, 6 और 3, 9, तो 9 सिग्मा और 2 पाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है पहला 9 सिग्मा एंड 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन विद्युत कण संचलन है या विद्युत अपघट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, निम्न में से कौन वैद्युत कण संचलन है। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन का मतलब ही अलग हो गया, ठीक है। विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रॉन फाइल, फिर भी आंसर अपन, इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये H2O 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन नाभिक स्नेही होते हैं, तो BF3 अपूर्ण अष्टक वाले जो यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है BF3, ठीक है, BF3 इलेक्ट्रोफाइल। 22 का आंसर है दूसरा, बाकी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मतलब है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट विल गिव, अल्ट्रावायलेट प्रकाश में मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्या बनता है, तो आपको बता था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ होती है, तो पहले क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म, लास्ट में बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो चार ऑप्शन दे रखे, तो लास्ट में वाला अपने पास आंसर जाता है,
क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया था, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया आपके पास पहला, लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर उत्प्रेरक क्या होता है? तो पैलेडियम और कार्बन, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसको लिंडलर अभिकर्मक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ये अपन ने आप लोगों को नहीं बताया था, थोड़ा सा अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर उत्प्रेरक जो है वो पीडी और कार्बन को कहते हैं, ठीक है। चलिए 24 का आंसर आपके दूसरा हो गया। 25, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनेन्थ्रीन। फिनेन्थ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फिनेन्थ्रीन में क्या होता है आपको ध्यान होगा, ठीक है, एंथ्रासीन और फिनेन्थ्रीन ऐसे तीन बेंजीन वाले एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, फिनेन्थ्रीन। तुम लोगों की कॉपी में डायरेक्ट बनवाया था, तो 7 पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बंद 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दूसरा, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास क्या बोल रहे हैं कि गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन काउ डग फर्टिलाइजर। तो गोबर खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, कितना होता है? गोबर खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, एजोला इज यूज्ड इन विच क्रॉप कल्टीवेशन। एजोला इज यूज्ड इन विच क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, कौन सी, जो एजोला का उपयोग किसकी खेती में करते हैं? तो ये चावल की खेती में करते हैं, राइस की खेती में करते हैं। एजोला किस में यूज होता है ना? चावल, राइस में ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाते हैं, ठीक है। तो एजोला आपके चावल की खेती में आ गया। नेक्स्ट, विच ट्री इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन एंड यूजफुल इन स्टॉपिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला कौन सा वृक्ष है जो वायु प्रदूषण को रोकता है, ठीक है। तो ये कौन है बेटा? खेजड़ी है, ठीक है, खेजड़ी का जो वृक्ष है वो एयर पॉल्यूशन को रोकता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एग्रोनॉमी वर्ड ऑर्गेनाइज फ्रॉम विच लैंग्वेज। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से उत्पत्ति है? तो ये ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक का। तो 28 का आंसर पहला हो गया, 29 का भी आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है, जैव उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम इनमें से क्या नहीं है? बायो फर्टिलाइजर नहीं है, जिप्सम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? तो मिल्क में दुग्ध प्रोटीन, कैसीन होती है, उसको दुग्ध प्रोटीन अपन कहते हैं, कैसीन प्रोटीन होती है दूध में। पिछले साल जो क्वेश्चन था वो शर्करा पूछी थी दूध की, तो दूध में जो शर्करा होती है लैक्टोज होती है, इस बार प्रोटीन पूछ ली, कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है, ठीक है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। 31 का आंसर आपके पास क्या हो गया बेटा? पहला। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। पौधे मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं बेटा? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री इज, मृदा जो रसायन है उसके जनक कौन है? थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार आपको इसमें कौन है? जे थॉमस वे। कौन है? जे थॉमस वे। सॉइल केमिस्ट्री के जो आयन एक्सचेंज रिएक्शंस दी थी, सबसे पहले वो जे थॉमस वे ने दी थी। इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? जे थॉमस वे, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ, ठीक है, क्या मिला के पीएच की, जो पीएच है मृदा की, उसको अपन क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो पीएच बढ़ेगी तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा अपने को? क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ कौन है? लाइम। तो लाइम मिलाएंगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, ठीक है। मिट्टी की पीएच क्या मिलाने पर बढ़ेगी? तो चूना मिलाने पर बढ़ेगी, ठीक है, चूना मिलाने पर पीएच का इसमें बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 35, मेजोरिटी ऑफ फूड क्रॉप्स प्रीफर टू हैव, अधिकांश खाद्य फसल के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए क्या आवश्यक है बेटा? न्यूट्रल पीएच, उदासीन पीएच की आवश्यकता होती है।
अधिकांश फसल के लिए, अधिकांश फसल के लिए किसकी होती है उदासीन पीएच, न्यूट्रल पीएच की होती है। 36 का आंसर आपके दूसरा हो गया क्वेश्चन, सॉरी 35 का क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी में पाया जाने वाला बृहत पोषक, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो ठीक है, बृहत पोषक तत्व कौन सा है, तो वो है कैल्शियम, ठीक है, बृहत पोषक तत्व कौन सा बेटा, कैल्शियम है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर तीसरा हो गया, 36 का आंसर क्या हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल, दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, मैक्रो और माइक्रो दोनों एक साथ पूछ लिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, मैग्नीज, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा बेटा, मैग्नीज है, कौन सा है, मैग्नीज है। नेक्स्ट है मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूट्रल नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ की एक लक इकाई, कई बार अपन ने बताया है आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, तो आइसोप्रीन कौन सा हो गया, आइसोप्रीन, प्राकृतिक बहुलक की एक लक इकाई कौन सी हो गई, आइसोप्रीन, 38 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 39, एंसास एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या करते हैं, एंटासिड का मतलब क्या है, प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल क्या होता है आपके, अम्लता बढ़ जाती है आपके आमाशय में, एसिडिटी, एसिडिटी आपको क्या होती है, पेट में दर्द होता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो क्या करता है वो आपके स्टोमक के जो एसिड के कारण दर्द हो रहा है उसको दूर करते हैं, तो एसिड के कारण हुए पेट के दर्द को कम करते हैं, रिड्यूस द पेन ऑफ स्टोमक ड्यू टू एसिड, एंटासिड एसिड के कारण दूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, निम्न में से कौन प्रतिजैविक है, तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, प्रथम प्रतिजैविक है, तो 40 का आंसर क्या हो गया पहला, और 39 का आंसर आपके पास क्या था दूसरा। तो इस तरीके से बेटा आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है किसका, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, मैथ्स और फिजिक्स वाले बच्चों की आंसर की बता दी, हम बना तो दिए लेकिन उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो मैथ और फिजिक्स की आंसर की, बाकी सभी सब्जेक्ट की आंसर की क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए अपना नाम नंबर लिख के आपको हमें व्हाट्सएप कर दें, तो कंप्लीट आपको आंसर की सीरीज बाय ए बी सी डी चारों सीरीज के हिसाब से आपको आंसर की पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ते रहें, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई परेशानी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, नए बैच भी हम एक दो दिन में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, 11 12th के एडमिशंस भी चालू है बेटा, तो जो भी स्टूडेंट्स आपके कॉन्टेक्ट में हो जो 11 12th के एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो वो आप उनको बता सकते हैं कि एनसीए पर एडमिशन चालू है, फाउंडेशन कोर्स चालू है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एनसीए से जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आंसर की पहुंचाएं ताकि उनको सबसे करेक्ट सॉल्यूशंस मिल पाए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जेट आईसीआर कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2007 से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है, कम फीस में बेहतर सुविधाएं ही एनसीए उदयपुर को राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाती है, जेट आईसीआर बीएचयू कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल प्लस कोचिंग उपलब्ध है, कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी ऑनलाइन कोर्स संस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आज ही जुड़े राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान से, हमारे चैनल को लाइक